हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसका नाम है शाफ्ट। ये शाफ्ट जो आपको टॉपिक जो मिलेगा हमारी प्लेलिस्ट जो है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में मिलेगा शाफ्ट। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको जो टॉपिक मिले वो बहुत ही स्लो कंटेंट मिले। मतलब अभी तक मेरे पास 2 से 4 कमेंट आ चुके हैं और कुछ लोगों ने और कहा था कि तेज पढ़ाते हैं, इस वजह से मैं इस वीडियो में चाहूंगा कि आपको थोड़ा स्लो पढ़ाऊं पहले के मुकाबले। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है पढ़ाने के रिलेटेड तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाफ्ट क्या होता है, किस मटेरियल की बनती है और कौन कौन से टाइप्स की शाफ्ट होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शाफ्ट। बेसिकली मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं शाफ्ट क्या होती है, उसके टाइप्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। लेकिन शुरू करते हैं शाफ्ट बेसिकली होती क्या, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और कुछ अलग वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे और काफी अलग चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो मैं शुरू करता हूं, कोशिश करूंगा कि स्लो पढ़ाऊं। तो आपको बताना चाहूंगा कि शाफ्ट बेसिकली होती क्या है। ये एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है, ये मशीन का एक हिस्सा है, मतलब मशीन एलिमेंट है जो कि या तो रिसीव करता है पावर को या फिर ट्रांसमिट करता है। अब हमें दो चीजों से यहां रिसीव्स का मतलब समझना है और ट्रांसमिट्स का मतलब समझना है। रिसीव्स का मतलब होता है लेता है, पावर को किसी से लेता है तो रिसीव्स होता है। और ट्रांसमिट का जो मतलब होता है वो होता है देना, किसी को पावर देना तो उसका मतलब होता है ट्रांसमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और रिसीव्स का मतलब पावर लेना, इसका मतलब ये होता है। ये उन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा वीक है, उनको ये वर्ड्स के मतलब नहीं आते समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर वो दोनों काम करता है। तो कुल मिला के एक रोटेटिंग मशीन का एक हिस्सा है, मतलब रोटेटिंग है, घूमने वाला मशीन का एक हिस्सा है जो या तो पावर को लेता है या फिर हमें देता है, आइदर रिसीव पावर और ट्रांसमिट पावर, या फिर दोनों काम भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें शाफ्ट मे बी ऑफ टू टाइप। शाफ्ट दो तरह की होती है, होती ही दो तरह की है, जिसको पहला कहते हैं हॉलो और दूसरी होती है सॉलिड। अब इनके क्रॉस सेक्शन पे भी, और जो शाफ्ट होती है वो होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के शेप में ही, तभी तो हम उसको शाफ्ट कहते हैं। इसलिए ये पॉइंट तो अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि टू टाइप्स की कैसे होती है, या तो होलो या सॉलिड। अब होलो का मतलब बता दूं, होलो ऐसी होती है जो अंदर से खोखल टाइप की होती है, जिसको कहते हैं अंदर से खोखली। और सॉलिड जो होती है वो अंदर से ही मटेरियल एकदम भरा हो, उसको कहेंगे सॉलिड शाफ्ट। जो हमारे पानी के पाइप होते हैं वो होलो में आते हैं, और जो मशीन में जो पार्ट लगा होता है किसी तरह से, जो सॉलिड शाफ्ट होती है, जैसे कार में बैलेंस रॉड होती है, वो भी एक सॉलिड शाफ्ट का ही हिस्सा है। तो बस इतना ही है इसमें। अब आगे हम डिस्कस करते हैं शाफ्ट कितने तरह की होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये शाफ्ट कितने तरह की होती है। शाफ्ट बेसिकली टू टाइप्स की होती है, पहली होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट, दूसरी होती है मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट और मशीन शाफ्ट दो तरह की शाफ्ट होती है। तो शाफ्ट का इंट्रो अगर हम ले लें तो शाफ्ट, ये शाफ्ट है, मान लो एक हम डायग्राम जो बना रहे हैं उसमें ये एक इंट्रो है, और इसमें आप बता रहा हूं कि इसमें ये शाफ्ट कहते हैं, इसको हम बियरिंग कहते हैं, और यहां पे एक ऑयल फिल्म डाली जाती है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। खत्म तो कर नहीं सकते हैं लेकिन फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ये इसमें टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क जो है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं कि पी इक्वल टू 2π NT/60 होता है। तो आप देख सकते हैं जो टॉर्क है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, पावर के, पावर से वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे बताने जाएंगे कि जो पावर है वो टॉर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं इसको। अब मैं आपको बता चाहूंगा कि है ना ये मटेरियल कौन से मटेरियल से बनता है। तो एक तो मीडियम कार्बन स्टील है, जो इसमें दो मटेरियल यूज होते हैं, और मोस्टली ज्यादातर स्टील से बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें मीडियम कार्बन स्टील भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट बेसिकली होता क्या है। क्लासिफिकेशन शाफ्ट दो तरह से होता है, एक ज्योमेट्रिकल बेसिस पे होता है, एक उसके यूजेस के बेसिस पे होता है। अगर हम ज्योमेट्रिकल बेस एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की होती है, एक होती है क्रैंक शाफ्ट, होती है स्ट्रेट शाफ्ट। यहां आप दोनों के डायग्राम्स को भी देख सकते हैं और बना सकते हैं। और दूसरी की बात करूं तो वो यूज के हिसाब से बताई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज वो कितने तरह से डिवाइड होती है। पहली होती है प्राइम मूवर्स, दूसरी होती है मशीन शाफ्ट, तीसरी होती है पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। अब मैं सबके एक एक एग्जांपल बता दूं, इसमें आता है ट्रांसमिशन शाफ्ट, इंजन शाफ्ट और मोटर शाफ्ट जो होती है वो सब प्राइम मूवर्स में आता है। अगर हम बात करें मशीन शाफ्ट की तो स्पिंडल जो होता है लेथ मशीन का वो उसमें आता है मशीन शाफ्ट में। और अगर हम पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट की बात करें तो जैक की, जो गाड़ी का जैक होता है उसकी जो शाफ्ट होती है उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट जो कि एक टाइप है शाफ्ट का, और इसके बारे में जो मैं आपको डेफिनेशन पहले बताऊं वो होती है दे रिसीव पावर फ्रॉम वन एंड
एंड डिलीवर पावर टू द अदर एंड, एक एंड से पावर लेता है और दूसरे एंड पे छोड़ता है, मतलब डिलीवर करता है। तो किस तरह डिलीवर करता है उसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको बता दिया गया है, बाकी आप ज्यादातर डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में थोड़ा लिख दूंगा। तो बेसिकली जो आपको बताने वाला हूं वो है, यहां से अगर आपने यहां से एक पावर ट्रांसमिट करी, जो जब ये यहां से रोटेट करेगा तो ये पुली के सहारे, ये बेल्ट जो ये कनेक्ट है मोटर से, और ये मोटर जो है वो एक बेल्ट से कनेक्ट है इसको, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये बेल्ट है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, साथ में ये शाफ्ट और ये शाफ्ट आपस में कनेक्टेड रहेंगी क्योंकि ये एक ही शाफ्ट है, और फिर ये भी रोटेट कर रहा है जो कि ये गियर है। तो बस ये बेसिकली एक डायग्राम है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मशीन शाफ्ट क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन शाफ्ट बेसिकली होता क्या है। मशीन शाफ्ट की डेफिनेशन से अगर मैं बात करना चाहूं तो वो होती है, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट, एक अंदर का ही एक पार्ट होता है मशीन में, और हम इस बात को कह सकते हैं कि वो एक मेन मेंबर ऑफ अ मशीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है किसका, मशीन का, किसी एक मशीन का। अब मैं आपसे दो एक दो बातें करने वाला हूं। ये जैसे एक क्रैंकशाफ्ट बनी हुई है, इसमें बताना चाहूंगा कि ये दोनों तरफ से बियरिंग से कनेक्टेड है, और ये एक मशीन शाफ्ट का एक एग्जांपल है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन और थ्योरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उसको वहां से देख सकते हैं किसकी क्या थ्योरी वगैरह इस वाली वीडियो में, जो जो थ्योरी इंपॉर्टेंट लगेगी मुझे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, आप वीआईपी सब्सक्राइबर बन जाएंगे हमारे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।